उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सलेमपुर विधानसभा का रेवली गांव, जहां बसपा प्रत्याशी रणविजय कुमार की जनसभा में बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा शिरकत करने पहुंचे। हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को अपने चित परिचित अंदाज में अभिवादन करते हुए वो जमकर प्रदेश और केंद्र सरकार पर गरजे। मंच से उन्होंने कहा कि लूट, हत्या और दुष्कर्म ऐसी कोई चीज नहीं है जो समाजवादी सरकार में ना हो। बहन जी की सरकार में ये गुंडे और माफिया सिर्फ जेल के अंदर नजर आते हैं, जहां उनकी जगह है। उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार पर चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि ये जो झगड़ा हुआ था वो लूट की रकम को लेकर हुआ था। मंच पर अगर नकली तलवार नहीं दी गई होती तो आज कुछ और नजारा होता। ये वो पार्टी है, 5 साल तक परिवार 4.5 साल तक ठीक चलता रहा, आपस में एक साथ साइकिल पे चल रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ, आपस में झगड़ा क्यों हो गया? आपने देखा किस कदर झगड़ा हुआ था? आप लोगों ने भी अखबार टेलीविजन में देखा होगा, मंच पे ही झगड़ा हो गया था। वो तो शुक्र है कि नकली तलवारें भेंट कर दी गई थी, कहीं असली भेंट कर दी जाती तो पता नहीं उस दिन क्या होता। लेकिन ये झगड़ा किस लिए हुआ? झगड़ा जो हुआ लूटमार की रकम के लिए हुआ। जब परिवार में बैठक हुई कि इतना रुपया लूट लिया है, इसको कहां कैसे बटे, उसी पे झगड़ा हो गया। और उस झगड़े का नतीजा क्या हुआ कि साइकिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, साइकिल खत्म हो गई। एक पहिया एक चचा ले गया, दूसरा पहिया दूसरा चचा ले गया, गद्दी लेके पकड़ करके मुख्यमंत्री जी बैठ गए, इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। जब पिताजी ने कहा मेरे पास क्या बचेगा, साइकिल तो हम ही लेके आए थे, तो उनसे कहा चिंता नहीं करो, तुम्हें तो अब बाहर घर से निकलना नहीं, घर में हम कैद कर रहे हैं, इसलिए वहीं पर तुमको हम पैडल दे देंगे और चेन दे देंगे, उसको चलाते रहना, खेलते रहना। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए देवरिया से सत्यप्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.